बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मसरूर सरात और आज के दिन देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए पार्ट वन में है, फर्स्ट ईयर में है, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है, जो ऑनली जो स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनका पेपर होने वाला है 2022 में। आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ जो अभी हाल ही में पेपर होने वाला है। आप किसी भी यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं या फिर मैं आपसे वादा कर सकता हूँ MJP अरुणखंड यूनिवर्सिटी से हैं, तो इसके अलावा कुछ और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। अब आप जानते हैं प्राइवेट स्टूडेंटों के लिए प्राइवेट को ईयर वाई कर दिया गया है और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको सेमेस्टर वाई कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं, मतलब कि आप 2022 के टॉपर बनने वाले हैं। तो आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो। अब यहाँ ध्यान से देख लो, जो क्वेश्चन बताऊँ वही क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। यहाँ बोला गया है कि गांधी द्वारा चलाए गए जो सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन है उस पर आपको निबंध लिखना है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को रट लेना, पॉलिटिकल का सेकंड पेपर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था 1942 में, ठीक है, उसके अध्ययन के बारे में देखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म होने के क्या उद्देश्य थे भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जन्म होने के उद्देश्य थे वो क्या थे, उन उद्देश्यों के बारे में आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं बात करेंगे मोरले और मिंटो सुधार, ठीक है, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं, लाभ क्या है, हानि क्या है, उनके बारे में आपको वर्णन कर देना है। और भारत में राष्ट्रवाद का जन्म और विकास, मतलब कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ था, वो विकास कैसे हुआ, ये क्वेश्चन बनता है। और भारत यहाँ बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो ध्यान से क्वेश्चन, अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है आप मार्केट से लेके आए हैं उस पर टिक लगा लो, बस यही पढ़ लो, काम हो जाएगा, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है। और पेपर होते ही मुझे व्हाट्सएप पर मुझे पेपर सेंड करो। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है वो आपको देखना है। और यहाँ बोला गया है संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ है, स्रोत और उनकी भूमिकाओं के बारे में देख लेना है कि इस भारतीय संविधान का, देखो भारत का संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ है, भारतीय कह सकते हैं संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ है, स्रोत भूमिकाओं के बारे में देख लेना है। और वहीं देखो मौलिक अधिकार की भूमिका, मतलब हमारे मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं जो आर्टिकल 11 से लेकर 36 तक हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको मौलिक अधिकार क्या है वो आपको देखना है। राज्य और केंद्र में क्या संबंध होता है, उन दोनों संबंधों के बारे में, नीति निर्देशक जिसे हम कह सकते हैं DPSP बोलते हैं, ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व जो हमारे कितने से लिए गए हैं आपको पता होगा, तो उनको सबको एक्सप्लेन करना। 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, देखो मतलब 11 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं और उसके बाद में 36 से लेकर 51 तक, ठीक है, 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आपको देखना है, सब कुछ अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो बोला गया है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन मतलब जो चुनाव कैसे होता है, ठीक है, तो कैसे चुना जाता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी, तीन प्रकार की संकटकालीन शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास में, ठीक है, 52, 56, 60, ठीक है, याद रख लेना, 352, 356, 360 ये आर्टिकल के थ्रू वो शक्ति का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है भारतीय प्रधानमंत्री, यहाँ कह रहा है मंत्रिमंडल पर टिप्पणी की, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है, प्रधानमंत्री के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, जो आर्टिकल 75 से स्टार्टिंग होता है उसमें देखना है प्रधानमंत्री के बारे में। भारत में प्रदेश में राज्यपाल की शक्ति के कार्यों का, अब राज्यपाल की शक्ति कौन से में होती है आपको पता है, 72 में है हमारा आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की शक्ति है और 89 और जोड़ दो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इतना देगा 1 आ जाएगा, और 8, 7, 14, 15 और 16, 161 में आर्टिकल 161 में राज्यपाल की शक्ति का निर्वचन किया गया है, वो किसी की शक्ति किसी की क्षमा को माफ़ कर सकता है, ठीक है, उन शक्तियों के उनके कार्यों के बारे में एक्सप्लेन कर देना। बस बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं समझाता हूँ पॉलिटिकल ईयर। यहाँ देखो भारत में, यहाँ बोला गया भारत में पंचायती राज संगठन पर टिप्पणी लिखी है, सारी क्लासें आपकी चल रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पेपर हैकर को, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका साथ आपका विकास, समझ रहे हैं, सबके साथ आपका विकास हो रहा है, इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि स्थानीय स्वभाव से आप क्या समझते हैं, ठीक है, स्थानीय कह सकते हैं श्वासन लोकतंत्र के आधार पर स्पष्ट करिए, ये क्वेश्चन आपको देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत कम क्वेश्चन, मतलब भाई 15 क्वेश्चन याद करके आप टॉपर बन सकते हो। यहाँ देखो वही पेपर छप रहा है, वही बता रहा हूँ आपको, यहाँ कह रहा है उदारवादी की विशेषताओं के बारे में, उदारवादी की विशेषता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि बंगाल विभाजन पर टिप्पणी, बंगाल विभाजन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया चोरी चोरा कांड के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और यहां बोला गया भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन कौन से हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। भारत संविधान की प्रस्तावना को समझाइए, ये है 2022 में आने वाले क्वेश्चन और आप बनने वाले हो 2022 के टॉपर, सबसे बड़ी खबर यह है। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
ना, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।